तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे सागे अपनी सोच में बसा पड़ा होता है कि ये उसका सुनहरा चांस है कि वो एक्चुअली जापान की U20 टीम को ज्वाइन कर सकता है। वो अपने गोल के कारण पूरे फुटबॉल वर्ल्ड को हिला के रख डालेगा और इसी तरह वो अपनी किस्मत बदल के वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर खिला सकता है। पर इसी सब में राजी कहने लगता है, एक मिनट, फील्ड में सिर्फ 11 बंदे खेल सकते हैं और तुमने कहा ब्लू लॉक 11 मेंबर्स। तो इसी के आगे से गीगा मारू कहने लगता है, तो इसका मतलब हम में से कोई डिफेंडर भी होगा और गोलकीपर भी होगा। तो पूरी की पूरी टीम में इसी बात का तो रौला मचा होता है। ये सारे के सारे स्ट्राइकर्स हैं, मतलब कि आगे खेलने वाले, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्राइकर बनने में ही लगा दिया है, जिसका मतलब इनको गोलकीपिंग वगैरह करना बिल्कुल नहीं आती। जबकि इनके खिलाफ की टीम वो पूरे तरीके से प्रोफेशनल है, उनके पास गोलकीपर अच्छे से अच्छा होगा, उनके पास डिफेंडर अच्छे से अच्छा होगा। अब ईगो जिम्पाची मॉनिटर के पीछे बैठ के कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, स्ट्राइकर्स को छोड़ के हमें जल्दी जल्दी टीम बनानी पड़ेगी। अब ब्लू लॉक के मेंबर्स अब थोड़ा बहुत पैनिक कर रहे होते हैं। केसी में ईगो दोबारा से अपना मुंह खोलते हुए कहने लगता है, आय आय तुम सब के सब भौंकना बंद करो, अब जो मैं बाकी 6 नाम पुकारने को जा रहा हूँ पूरे की पूरी टीम मेंबर्स इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे और यही 6 पर्सन ब्लू लॉक के 6 टॉप मेंबर्स होंगे। तो यार जो ब्लू लॉक का नंबर 1 प्लेयर होता है, खैर यार तुम में से शायद हर एक को पता हो कौन होगा वो, तो कोई और नहीं बल्कि हमारा इतोशी रिन होता है। ये सुनने के बाद इसागी अपने मन ही मन में कहने लगता है, वेल मुझे तो पता था यही नंबर 1 होगा। तभी रिन अब रैंकिंग को आगे बढ़ाता है और जो हमारा सेकंड प्लेयर होगा वो कोई और नहीं बल्कि शीदो रायोसे होता। तो हाँ यार शायद से ये सुनने के बाद तुम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए होगे, मगर हाँ ये सच है, इस सागी को नंबर 2 स्पॉट नहीं मिलता। कहानी यहाँ पे भी आके खत्म ना होती, यहाँ तक हमारे इस सागी को 3rd स्पॉट तक नहीं मिलता। 3rd स्पॉट जाता है करासु ताबितो नाम के एक शख्स को। हमारे 4th रैंक पे अयोतो ईता नाम का एक और अनजान शख्स होता है। तो यार हमारे नंबर 5 पे होता है युकीमिया किन्यू। और अब इस सागी अपने दिली दिल में यहाँ से कहने लगता है, मेरा 5th रैंक भी नहीं है, एटलीस्ट यार अब आखिरी मेंबर बचा है वो मैं ही होना चाहिए। अब देखते देखते ईगो टॉप 6 का नाम पुकारता है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा नागी सेशिरो होता। वेल अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि इस सागी के बजाय नागी ही होगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा था कि अगर नागी ना होता तो एटलीस्ट बाचिरा तब भी होता, इस सागी इसके बाद होता फिर। और यहीं पे सागी अपने आप को स्पीचलेस पाता, तभी युकीमिया अब यहाँ पे अपनी आवाज उठाते हुए कहने लगता है, एक्सक्यूज मी ईगो, वेल मेरा सवाल काफी सिंपल है, आखिर तुमने मुझे 5th रैंकिंग पे क्यों रखा है और इसके साथ ही साथ मेरे और नंबर 1 के बीच में क्या ही डिफरेंस है। इसके जवाब में ईगो अब बोलने लगता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, तुम 35 प्लेयर्स के बीच में सिर्फ इन्हीं 2 प्लेयर्स ने वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के खिलाफ गोल किया, वो 2 प्लेयर्स हमारे ब्लू लॉक के रिन और शीदो है। फिर तुम लोगों की रैंकिंग के लिए मैंने फर्स्ट सिलेक्शन के गोल्स पे नजर दोहराई, इसके साथ ही साथ मैंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर से तुम लोगों की परफॉर्मेंस के बारे में पूछा और फिर आखिर में अपना फैसला लेके हम लोगों की रैंकिंग किया है। होपफुली 4 आंखों वाले मॉडल अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल ही गया होगा और इन्हीं टॉप 6 प्लेयर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक पेयर्स में सेपरेट किया जाएगा, मतलब के फर्स्ट और सेकंड रैंक वाले को मिल मिला के एक टीम बनाई जाएगी और दूसरी टीम 3rd और 4th को मिला के बनाई जाएगी। फिर लास्ट टीम जो की 3rd होगी वो 5th और 6th रैंक के प्लेयर्स को मिल मिला के बनाई जाएगी। तो मेंबर्स को शामिल करते हुए पूरी टीम में सब 5 मेंबर्स ही होंगे। इसके चलते ईगो यहाँ पे कहने लगता है, बाकी 29 मेंबर्स अपनी मर्जी से कौन सी भी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह ये टीम्स आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी खेल सकती है। जो सुनते सारे इस आगे अपने दिली दिल में कहने लगता है, तो ये टास्क सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए है आखिर टॉप 6 प्लेयर्स के लिए कौन कौन से प्लेयर ऑफेंस के लिए सूटेबल है और जो बाकी 29 प्लेयर्स है सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ही चांस है। ये कभी काफी ज्यादा जज्बात से उभरते हुए कहने लगता है, तुम लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, तुम लोगों के पास U20 टीम में अपना स्पॉट पाने का एक फाइनल ट्राई आउट है, इसे इतनी आसानी से यूं रायगा मत जाने देना। यहीं पे सारे लोगों में यहाँ तक एक राशि भी अपने शोलों से बढ़क रहा होता है, वो भी अब काफी कॉन्फिडेंस से कहने लगता है, ये स्पॉट जरूर मेरा ही होगा। यार अगर मैं सच कहूँ तो इसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बनता भी है, जो कि ये बच्चे कुचे ब्लू लॉक के 35 प्लेयर में से एक प्लेयर है। इसका मतलब इगाराशी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में अपना नाम दर्ज कर चुका है। पड़ी को यहाँ पे अब ये भी कहने लगता है, पर ये बंदे अभी भी फुली तरीके से टीम में डिवाइड नहीं हुए, वजह से टॉप प्लेयर्स की लिस्ट को अब टॉप 6 से टॉप 7 प्लेयर्स में बदला जा रहा है और टॉप 7 का ओनर किसी और को नहीं जाएगा बल्कि बातचीत को जाएगा।
जैसे कि मैंने सोचा, इन्हीं सब में अब ईगो मजीद बोलता है। और इसके साथ ही साथ तुम टॉप सिक्स एक अलग रूम में जाओगे और यहीं पर टॉप सिक्स जैसे तैसे अपने सेपरेट रूम में जा रहे होते हैं। ईगो उन्हें ये कह के होश भी दिलवाता है, चाहे जरूर तुम लोग टॉप सिक्स हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये रैंकिंग बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। तो इसका मतलब इस ट्रायआउट के बाद तुम्हारी रैंकिंग ऊपर नीचे हो सकती है। टॉप सिक्स के चले जाने के बाद फिर ईगो बाकी 29 से सहमत होकर कहने लगता है, 29 प्लेयर्स की ट्रायल इस तरह से टॉप सिक्स प्लेयर्स पे डिपेंड कर दिया है। आखिर तुम लोग किस तरह से उनके काम आ सकते हो और उनके साथ चल सकते हो, सबसे पढ़ के आखिर अपने दम से तुम उनके सामने खुद को साबित करोगे। फिर आखिर में बस तुम लोगों ने उन्हें सिर्फ सरपास ही करना है। वैसे भी टॉप सिक्स तुम्हारे रास्ते की दीवार है, हर किस जरा सा भी अपना साथी मत समझना, दीवारों को तोड़ डालो और खुद इनके रास्ते की दीवार बन जाओ। तो फिर अब तुम 24 आवर्स में चूज करोगे क्या आखिर तुम किसके हाथ में अपना फ्यूचर थामना चाहते हो। इस सागी भी इन सारी की सारी बातों को सुन रहा होता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।